प्यारे बच्चों, हमने प पतंग की लाइन बनानी सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा था प से पतंग, फिर हमने सीखा था फ से फल, उसके बाद है ब से बत्तख, ये हमने सीखा था, है ना। उसके बाद हमने सीखा भ से भालू, है ना, हमने सीखा था ये भ से भालू। और आज सीखेंगे हम म से मछली, है ना। म से मछली कैसे बनती है, ऐसे सीधी लाइन लेकर आओ और फिर क्रॉस करके यहाँ जोड़ दो और फिर नीचे ले आओ और ये बना म से मछली, राइट। ये म से मछली, म से जैसे भ भालू बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं, बस इसमें ऊपर की जीरो नहीं लगानी, इसको सीधी लाइन लगा के नीचे इसके पाँव में जीरो बनानी और स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे लेकर आनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लाओ, पाँव में जीरो बनाओ, लेकिन ये वाला पोर्शन नीचे वाली लाइन से नहीं जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे जोड़नी है, म से मछली, राइट, म से मछली, म से मछली, म से म से मटर, म से मटका, म से महान, म से मोम, म से मुर्गी। कितने शब्द हैं म से, आप भी बताओ मुझे कुछ म से। बोलो बोलो, म से मोर, शाबाश, मोर बताया आपने मुझे। अब मैं बताऊं, म से मकान, अब आप बताओ, म से मोटा, है ना। म से कितने सारे शब्द हैं, और लो भाई, म से मछली, और ये बन गई म से मछली, है ना। अब आपकी प फ ब भ म, ये लाइन आपकी पूरी हुई और ये पांचों अक्षर आपने बनाने सीखे और आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखा है और अपनी रोज प्रयास करना है, है ना। मैं आपको खाली लाइन में भी बना के दिखा देती हूँ। पिंक लाइन से स्टार्ट करना है, येलो लाइन तक लाकर फिर येलो लाइन पे ऐसे क्रॉस करना है और यहाँ से पूरी सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। ये लो, म से मछली, है ना, म से मछली, ये बना। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।